आज के अपने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया है ये मुल्तानी मिट्टी के चार डिफरेंट तरीके से फेस पैक, जो कि आपके स्किन टोन के हिसाब से और स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने बेसिकली ये चारों फेस पैक शेयर किया हुआ है। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल, चाहे आपके सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन हो या फिर एक्ने प्रोन स्किन हो, सबके लिए सूटेबल होती है। बस आपको डिफरेंट वे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए अपने स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से। सबसे पहले जो मैंने मेन इंग्रेडिएंट लिया है वो है मुल्तानी मिट्टी। चाहे आप मुल्तानी मिट्टी का रॉ ले लीजिए या पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बस उसको हमें कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो पता होना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी को हिंदी में हम मुल्तानी मिट्टी और इंग्लिश में हम फुलर अर्थ कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी फेस पैक कैसे बनाना है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मेन इंग्रेडिएंट हमारा ये मुल्तानी मिट्टी है, इसलिए हम जितना फेस पैक बनाएंगे उतना मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे हमें ले लेना है। थोड़ा कम ही रखिएगा, हमारे एक फेस पे हो जाए उतना रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है खीरे का जूस। खीरे को कस करके उसका जूस निचोड़ के निकाल लेना है। खीरा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, तो समर में आप जब भी फेस पैक बनाएं मुल्तानी मिट्टी का, ऑयली स्किन के लिए स्पेशली, उसमें खीरा जरूर डालें, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए लेमन जूस। कितना डालना है, आधा चम्मच डालना है हमें लेमन जूस। उसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। ऑयली स्किन है इसीलिए मैं इसमें और भी कोई एक्सेस ऑयल जैसे कि बादाम ऑयल या फिर ग्लिसरीन नहीं ऐड कर रही हूँ। तो आप अगर समर में लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगाएं, अगर आप विंटर्स में लगा रहे हैं तो इसमें ग्लिसरीन या फिर बादाम ऑयल डालना ना भूलें, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हमें उसमें ग्लिसरीन वगैरह ऐड करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा फेस पैक हो गया है तैयार। ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक ना सिर्फ आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल, एक्स्ट्रा सेबम आपके चेहरे से रिमूव करके आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, बल्कि एजिंग की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। बस सिंपली अपने क्लीन चेहरे पे इसको पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको अच्छे से वॉश के निकाल देना है, बस सिंपल। नेक्स्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए फेस पैक। जिसको एक्ने पिंपल ज़्यादा होते हैं उसके लिए फेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे जैसे डर्ट्स इंप्योरिटी को भी हटाती है, ठीक है। तो उसके बाद मुल्तानी मिट्टी जितना लिया है उसी क्वांटिटी में लेना है नीम पाउडर। अच्छा, जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिल रही है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक में आप जाएंगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे आपको। उसके बाद लेना है ग्लिसरीन, थोड़ा सा डालिए। समर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा डालिए, और विंटर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा सा एक चुटकी हमें यहाँ पे अपने घर की हल्दी ले लीजिए या फिर वाइल्ड हल्दी मिलती है, वो कस्तूरी हल्दी इसको हम कहते हैं, वो ले लेना। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल में ही इसको फेस पैक को बनाएं, ज़्यादा अच्छा है पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो उस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप गुलाब जल का इस्तेमाल करके इस फेस पैक को बनाएं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अपने पूरे क्लीन चेहरे पर, जब भी कोई फेस पैक लगाते हैं हमेशा चेहरे को क्लीन करिए, उसके बाद ही कोई फेस पैक अप्लाई करना चाहिए। ये फेस पैक आपके एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करेगा, साथ ही साथ एक्ने पिंपल के दाग धब्बों को हटाएगा और नए पिंपल्स को आने से भी रोकेगा। तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इसको जरूर लगाएं अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो। बस लगा के ड्राई हो जाए तो वॉश कर देना है, बस सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा फेस पैक है वो है ऑल टाइप स्किन के, जिसको की स्किन वाइटनिंग फेस पैक भी हम कहेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू यानी पोटैटो। आलू को पील करके उसको कस करके उसका जूस निचोड़ के निकाल लेना है। आलू हमारे स्किन पे ऐसा स्किन वाइटनिंग का काम करती है, ब्लीचिंग का काम करती है, तो इसलिए मैंने आलू का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। जितना फेस पैक लेना है उतना हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो हमने आलू का जूस निकाला था उसमें इसको डाल देना है, इनफ डालना है जितना कि आपका पेस्ट तैयार हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा क्योलिन क्ले पाउडर। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, दोनों चीजों का इस्तेमाल करिएगा, मुल्तानी मिट्टी और क्योलिन क्ले पाउडर दोनों का ही, सेम क्वांटिटी रखना है दोनों की। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे रोगन बादाम। रोगन बादाम मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि बिल्कुल प्योर शुद्ध बादाम का तेल होता है, इसीलिए मैं रोगन बादाम का यहाँ इस्तेमाल करती हूँ, रोगन बादाम ऑयल का। उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, और इसी पेस्ट को अपने क्लीन चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए, अच्छे से सूख जाए, तभी इसको वॉश करके निकाल देना। ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक काफी अच्छा ग्लो देता है आपके चेहरे पे, साथ साथ अगर आपके स्किन डल है तो इसको लाइटन करता है स्किन को, स्किन वाइटनिंग का आपके चेहरे पे काम करता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है। नेक्स्ट फेस पैक है हमारा ग्लोइंग स्किन के लिए, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो इस मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मुल्तानी मिट्टी की। भाई मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है तो मुल्तानी मिट्टी तो चाहिए रहेगा ना, तो मुल्तानी मिट्टी हमें लेना है उतना जितना कि अपने चेहरे पे हो जाए आपके चेहरे पे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे दही है, आप चाहे कर्ड इस्तेमाल करिए या फिर आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास दही थी इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें इसमें डालना है
एलोवेरा जेल, चाहे तो फ्रेश ले लीजिए या फिर किसी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हनी, जितना हमने एलोवेरा डाला था उतनी क्वांटिटी, मतलब एक चम्मच हमें इसमें हनी डालना है। उसके बाद सारी चीजों को मिक्स कर लेना है, ना इसमें पानी इस्तेमाल करना है ना गुलाब जल, कुछ भी नहीं, बस इसको दही के वाटर से बेसिकली हमें इस्तेमाल करके बनाना है इस पेस्ट को। अच्छा, अगर आप योगर्ट डालते हैं तो मे बी आपको थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, उसमें थोड़ा पानी कम रहता है, तो इसी वजह से आप इसमें चाहे तो थोड़ा रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं मिक्स करके बनाने के लिए, क्योंकि मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ, दही में थोड़ा सा पानी की कंसिस्टेंसी होती है हल्की, इसी वजह से इसमें जरूरत नहीं पड़ी मुझे डालने की। देखिए, हमारा फेस पैक ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। अब हम इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएंगे, लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो वॉश करके निकाल देंगे। ये चार फेस पैक मैंने शेयर किए और चारों कमाल के हैं। ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा, सारे स्किन टोन के लिए मैंने शेयर कर दिया है। तो मिलती है अपने अगले वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।